आप सभी को नमस्कार। मैं इस वक्त आंध्र प्रदेश में हूँ, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति के तिरुमलय में हूँ। ये जो क्षेत्र है श्रीनिवास वेंकटेश्वर जी की, मगर ये इससे पहले श्री वरा स्वामी जी का क्षेत्र था। आइए देखते हैं ये वरा स्वामी क्षेत्र क्या है और कैसे है। जब हिरण्यकश्यप जो असुर थे उनमें से हिरण्यक्ष था, उनका वध करने के लिए विष्णु भगवान ने वरा रूप का धारण कर लेते हैं। तो तभी उनका वध होने के बाद उन्होंने विश्राम करने के लिए इस क्षेत्र पर आते हैं और यहाँ उन्होंने विश्राम करके यहीं रह जाते हैं। कई सारे अवतारे होते हैं फिर भी वरा स्वामी जी यहीं रहे। उसके बाद श्रीनिवास जी का अवतार होता है तो तभी श्रीनिवास जी यहाँ पर आते हैं तो इस क्षेत्र का स्वामी वरा स्वामी रहते तो कहते आप कौन है, यहाँ क्यों आए। तो कहते मैं यहाँ लक्ष्मी को ढूंढने आया हूँ, आप कृपया करके आप हमें यहाँ रहने के लिए स्थान दीजिए। ऐसा उन्होंने विनती से मांगते हैं तो वरा स्वामी जी उनको अनुमति देते हैं। ऐसा पत्र भी लिख के दिया हुआ है, ऐसा मंदिर में मिलता है ऐसा कहते हैं। तो ऐसे कहने से श्रीनिवास जी यहाँ पर स्थित हो गए। और इसलिए उन्होंने वो भी विष्णु भगवान का ही अवतार है श्रीनिवास जी भी, और वरा स्वामी का जो है वो भी विष्णु भगवान का ही अवतार है। मगर फिर भी ऐसा क्यों, एक अपने अपना ही क्षेत्र सभी एक ही है, मगर एक दूसरे का ऐसा कहना मतलब क्या है। क्योंकि श्रीनिवास भगवान जी वो एक आम अवतार थे, यानी आम मनुष्य के जैसा अवतार था, इसलिए उन्होंने मनुष्य के जैसा व्यवहार किया है। I have
ले दो। ठीक मेरा पीछे जो देख रहे हो वो वरा स्वामी जी का मंदिर है। देखिए बगल में श्री बालाजी बालाजी के मंदिर है। यहाँ बगल में ही पुष्करणी है और इस पुष्करणी में स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी यहाँ का जो मुंडन बाल देते हैं वो बालाजी के प्रिय है, प्रिय इसलिए है। आइए देखते हैं इस कहानी को। एक माता थे, वो उन्होंने बालाजी से एक मन्नत मांगते हैं कि मुझे एक पुत्र हो या फिर पुत्री हो जाए, मैं आपको मेरा बाल का जो मुंडन करूंगी, ऐसा उन्होंने मन्नत मांगा रहता है। तो तभी ठीक एक साल के बाद उनको एक पुत्र होता है, फिर भी उन्होंने अपना जो वादा जो था वो निभाते नहीं है। एक 15 साल का लड़का जो हो जाता है वो, तभी बालाजी ने यानी श्रीनिवास जी ने उनका स्वप्न में जाकर कहते हैं आप दर्शन के लिए आ जाइए और साथ में अपना पुत्र को भी ले आइए। तभी वो माताजी ने इस पुष्कर में स्नान करने के लिए डूबते हैं, तो तभी बालाजी ने उस बाल को पकड़ लेते हैं, क्योंकि आपने मुझे वादा किया था मैं आपको बाल का मुंडन करूंगा और ये ऐसा आपने मन्नत मांगा था मगर आपने नहीं दिए थे। ऐसे कहकर उन्होंने जो अपना बाल को जो वादा था वो ले लेते हैं। ठीक इसी के बाद इस कहानी का बाद जो होता है आता है, मन्नत मांगता है, अपना बाल का मुंडन करते हैं, क्योंकि बालाजी को ये बाल का प्रिय होता है। इसीलिए श्रीनिवास जी को बाल का जो यानी मुंडन देने से इसको बालाजी नाम से जाना जाता है। और ये जो मंदिर है यानी यहाँ पर जो विष्णु भगवान जो है वो यानी बनाया हुआ मूर्ति नहीं है, स्वयं विष्णु भगवान ही है। जैसा अभी एक महाराज जी ने मुझे कहा कि वो यहाँ का जो पुजारी लोग जो होते हैं यानी महाराज जी होते हैं, उस दो लोग होते हैं, हर शुक्रवार में हफ्ते में एक बार अभिषेक होता है, तो उस अभिषेक में वो दोनों लोग एक ही बार ना स्नान करते हैं और एक ही बार तिलक लगाते हैं, और यानी अपना जो कुलिक्स जो कहते हैं उनसे, तो वो कहते हैं जो स्नान करवाते हैं यानी अभिषेक करते हैं, तो उस समय वो पत्थर के जैसे नहीं होते हैं बल्कि हम जैसे नरम जैसा होते हैं अपने जो शरीर जो यानी पत्थर का जैसा नहीं होते, मांसखंड होती है ना, ठीक इसी तरह उनका महसूस में आते हैं, तो वैसे उन्होंने अपने कुलीगों से कहा हुआ है। यहाँ आप लोग अपने बच्चों के साथ आप सावधान रहिए, मिस होने का संभावना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब दर्शन के लिए अंदर घुसते हैं उस समय बहुत भीड़भाड़ होती है, तो उस समय चुकने का संभावना ज़्यादा होता है और कोई ना कोई मिस हो जाता है। जो मिस हो जाता है उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट करते हैं पूरा ये तिरुमला में, तो वो यहाँ वो सेंटर है, जो भी मिस हुआ है उनका जो लोग वो यहाँ आकर इंतज़ार करते हैं और अनाउंसमेंट में उनका नाम गांव और उनका बारे में बताया जाता है। और ऐसा दिन भर दो दो दिन कभी कभी मिलना मुश्किल हो जाता है, तो 80 to 90% मिल जाते हैं मगर फिर भी 10% अता पता बहुत मुश्किलें होते हैं, इसलिए ताकि आप लोग अपना बच्चों के और अपना बच्चों का और अपना साथियों का ख्याल रखिए। चाहे तो कोई कुछ भी समझे, हाथ पकड़ के ही जाइए अंदर लाइन में। ये आप